हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रियंकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केसर पिस्ता लस्सी बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप उनके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। जैसा नाम से ही है केसर पिस्ता, तो सबसे पहले हमने ये 7-8 धागे केसर लिया है, जिसे हम सैफ्रॉन भी बोलते हैं। फिर ये हमने पिस्ता जो है पीसेस में काट लिया है। नेक्स्ट हमारा 1 बॉल कर्ड है, जिससे हम जो है 1 ग्लास लस्सी बनाएंगे। फिर हमने ये 2 टेबलस्पून शुगर लिया है, थोड़ा सा वाटर लिया है, फिर हमने ये कुछ आइस क्यूब्स लिए हुए हैं। तो इन सब को हम जो है ब्लेंडर में डाल के सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे। हम लस्सी को जो है बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने से लस्सी बहुत पतली हो जाती है। तो बस हल्का सा हमें 2-3 टाइम्स चलाना रहता है। आप देख सकते हैं लस्सी हमारी बहुत परफेक्ट बनी है। अब ये हमारी केसर पिस्ता लस्सी है, तो हम इसकी अब गार्निशिंग कर देंगे। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमने ग्रेट किए हुए पिस्ता और केसर के कुछ धागों से जो है इसकी गार्निशिंग कर देंगे, ताकि ये देखने में भी उतना ही अच्छा लगे जितना कि हमें पीने में ये टेस्टी लगता है। हमारा ये केसर पिस्ता लस्सी बिल्कुल बनकर तैयार है सर्विंग के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।